लॉफ्ट एरोसिटी न्यू दिल्ली में। सो यहाँ का परफेक्ट ट्राई करते हैं आज, और बताता हूँ मैं से लंच पर पहली बार ट्राई करूँ यहाँ का। और एक साल पहले यहाँ वीडियो बनाई थी, सो एक देखता हूँ क्या चेंज आता है एक साल बाद। तो यहाँ पे ये आ गए चोरे से ब्रॉनी है, आलू है, टेस्ट करता हूँ। बेक भी रहता हूँ और पास्ता है हमें, तो वो भी टाइट हो रहा था, मतलब नॉर्मल था, तो उसका नॉर्मल था, मतलब कोई करनी बात नहीं है। मैं सूप लेके आऊँ उनका, मशरूम सूप, वेज सूप है, वो बार ट्राई करता हूँ। सूप रहता हूँ ट्राई करा मशरूम सूप, उनका बर्थ है ब्लैक पेपर का फ्लेवर बड़ा बेस्ट आ रहा है सूप में, तो मस्त ट्राई है ये अगर आप यहाँ आते हो। अभी मैं लेके आऊँ चिली फिश और साथ नूडल्स, वो ट्राई करता हूँ तो आपको बताता हूँ। हक्का नूडल्स है साथ में चिली फिश थे, फिश पूरी स्वाद थी आगे और नूडल्स भी अच्छे रहे। अब आगे बताता हूँ क्या खाता हूँ। हम यहाँ पे ना वैसे सादा स्नीज है मेन्यू में परफे, मतलब पर हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने पनीर टिक्का लिया है और साथ में चिकन टिक्का, और मेन कोर्स में मैं खा रहा हूँ बटर चिकन, और भी ऑप्शन थे पर मैं सिर्फ बटर चिकन खा रहा हूँ। और चिकन टिक्का बहुत टेस्टी था, अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ आटा मसाले का, और बटर चिकन बात करूँ तो बटर चिकन स्वीट था पर अच्छा खाने में बहुत, कोई मतलब होता है स्वीट होता ही है वो, तो कोई वो नहीं है। और रोटी भी अच्छी थी बहुत अच्छा, प्रांता मतलब रोटी नहीं थी प्रांता रहा, वो भी अच्छा था। डेजर्ट वाले क्या हूँ ब्रेड पुडिंग कैमल पेस्ट्री और ये सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए, खा के बताता हूँ कैसा है। अब बारी है टेस्ट करने की, तो सर मैंने ट्राई करा कैरमल पेस्ट्री को, तो कि अच्छी बहुत चॉकलेट फ्लेवर था और साथ में कैरमल। उसके बाद मैं ट्राई करा स्ट्रॉबेरी वाली पेस्ट्री को, जो कि वो भी अच्छी थी बहुत। अब एक और चीज़ थी ब्रेड पुडिंग, वो ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, पर मेरे मम्मी पापा घर वालों को बहुत अच्छी लगी है, तो ये तभी कहता हूँ सबके अपने अपने टेस्ट बस होते हैं, मैं कोई नहीं चलेगी उनको अच्छी लगी इस हिसाब से देख लो। तो दोस्तों मैं अभी अपने घर वापस आ चुका हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, खाना बहुत अच्छा रहा, बफे पर ना एक कमी थी सात दस नहीं थे बफे में ना, ओनली मेन कोर्स और वो डेजर्ट था, पर हमने उनको रिक्वेस्ट करी तो एक एक सात दस उन्होंने अरेंज करा दिया मेरे लिए, चलो कोई बात नहीं। पर आगे से अगर आप मैं जाना चाहते हो लंच में जाना चाहते हो लॉफ्ट में, तो यहाँ आपको सात दस नहीं मिलेंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे आप बताओ मिल भी जाए, उनको मूड मिल बंद करता है हमें तो दे दिए, पर एक बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। पर आगे से पर हमें भी हमने भी अभी कह दिया, हम पहली बार आए दोपहर को तो रात को होते हैं, तो वैसे अभी हो जाता है, पर मेरे तो वैसे बफे में मैंगो सब वो होता है। आप अगर खाने की बात करो खाना बड़ा अच्छा था यहाँ का, पर वो चीज़ें एक तो पर बहुत अच्छी लगी, वो आपको तो सात दस में आए थे वो चीज़ें बहुत थी, एक तो पनीर टिक्का और चिकन टिक्का, चिली फिश बड़ी अच्छी रही, मैं कह रहा हूँ बेस्ट ही हो तो हक्का नूडल्स बच्चे रहे, साबर चिकन भी अच्छा था, मतलब आप पहली बार कह रहा हूँ दो भी मैंने ट्राई करा ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बेस्ट में आती है आई है, उनकी खाना बड़ा अच्छा था। और ऑप्शन और मेन कोर्स की बात करूँ तो मेन कोर्स में दाल भी थी, पनीर भी था, आलू मटर आलू मशरूम मटर भी था, तो मैंने तो सिर्फ बटर चिकन खाया था, पर मम्मा पापा ने मशरूम मटर दाल और आलू की सब्जी खाई थी, तो वो भी कहते थे अच्छी है वो। सो मेन कोर्स अच्छा रहा। डेजर्ट में आपका जो पुडिंग थी वो मेरे को इतनी अच्छी लगी, मेरे अच्छी थी, पर मेरे पेरेंट्स को मम्मी आपको लोगों को अच्छी लगी, बाकी वो स्ट्रॉबेरी वाला केक था अपना स्वाद था, कैरामल केक बहुत स्वाद था। अब आता हूँ बिल में, बिल में आ रहा 6372, मैं जोमेटो से पीडीएफ बुकिंग कराई थी, 50% ऑफ मिला था, तो मेरा बिल आया था 2911 में, तो 2911 में 3 मिनट में पसंद आया हमने अलाउड 5-star होटल में, तो 2911 ठीक है मतलब रेट ठीक है ना,
मेरे हिसाब से रूफ ठीक है रहती है 2911 में, अराउंड 1000 रुपये पर अराउंड कम हो गया थोड़ा, पर है तो अच्छा रहा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो जल जाएगा उसका ध्यान करना, इंस्टा डाल करना। गुड बाय।